ओम शांति। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अपने हिसाब से जानी जाननहार का अर्थ निकाल देते हैं, सोचते हैं वो सब कुछ जानते हैं, हम जो भी करते हैं वो सब जानते हैं। आप जो करते हो वो आप जानते हो, उनके साथ सच्चे रहते हो तो वो जानते हैं, लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हो इसमें वो नहीं जानते हैं। तो जानी जाननहार है, पर वो क्या जानते हैं इसकी नॉलेज अभी मिली है। नॉलेजफुल है, इसीलिए वो सारी नॉलेज हम बच्चों के आगे रख देते हैं। अर्थ नहीं समझते, इसीलिए सब अपनी तरह से उसका अर्थ निकाल देते हैं। अब बाबा ने अर्थ समझाया। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे, और सर्वव्यापी क्या है, गिलानी कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। देखो गलानी कैसे होती है, सर्वव्यापी कहने से चारों तरफ इतना विकर्म है, इतना पाप है, फिर भी सोचते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान इसमें नहीं जाता है, और ना ही वो ये जानता है कि कौन क्या कर रहा है। वो ये जानते हैं कि ऐसी दुर्गति क्यों हुई है, लेकिन अभी क्या कर रहे हो वो इसमें नहीं जाते हैं। ज्ञान सुनाते हैं, नॉलेज देते हैं, उस ज्ञान को आप कितना धारण करोगे ये आपके ऊपर है। उन्होंने एक समान ज्ञान दे दिया, धारणा करना ना करना बच्चों के हाथ में। ये नहीं कि वो इसको धारणा कराते हैं, इसको धारणा नहीं कराते हैं, ये वो नहीं करते हैं। ये हर एक का अपना कर्म है, कौन कितना धारण करता है, अभी तो नंबर वार हम सब बनते हैं। तो सर्वव्यापी के गलानी कर देते हैं। ओम शांति।